नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच एआईसीसी महासचिव अविनाश पांडे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। पांडे ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश की जनता पर 1,25,407 करोड़ का बोझ डालकर नए साल का उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई ऐसे बढ़ा रही है जैसे 5 राज्यों के चुनाव के बाद को महंगाई बढ़ाने का लाइसेंस मिल गया हो। अविनाश पांडे ने 13 बिंदुओं के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान, युवा, गरीब और दलित के साथ है। महंगाई की इस मार से, इस कमर तोड़ महंगाई की मार से त्रस्त है। लोगों का अपना दैनंदिन जीवन चलाना दुभर हो रहा है और पिछले दिनों जब से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी, माननीय केंद्र सरकार को एक लाइसेंस मिल गया है कि इस देश के लोगों पर कर का बोझ बढ़ाते हुए और महंगाई जो कि चरम पर सू रही है, उसको एक उपहार के रूप में इस देश को ने भेंट किया है। हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की एनडीए सरकार है उसकी नाकामियों को उजागर करेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी आवाज़ बनकर के राजस्थान में ऐसा करके दिखाएंगे कि 2023 में पुनः सरकार भी कांग्रेस की आएगी और 2024 में मोदी सरकार का केंद्र से सूपड़ा साफ होगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।